अंबानी या मंच के आगे खड़े हूं, जॉइंट सेक्रेटरी पत्नी उम्मीदवार श्रीमती रेणु रानी और श्याम भैया जी, ये चार सरकारी ओर हैं जो आपके समूह प्रस्तुत हैं। नमस्कार, अलीगढ़ में हूँ, कूलर रोड के एक प्रतिष्ठित लॉज में, और यहाँ पर व्यवसायियों का एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। आखिर ये आयोजन क्या है, और यहाँ पर बहुत सी महिलाएं हाथों में कुछ कार्ड्स लेकर खड़ी हुई हैं, आखिर क्या मामला है ये देखते हैं। रात में, सर्द रात में ये लोग आखिरकार क्यों, लगभग 8:30 बजे के करीब ये कार्ड्स हाथ में लेकर खड़ी हुई हैं। यकीनन ये चुनाव का माहौल मालूम पड़ रहा है, क्योंकि जो चुनाव की गर्मी होती है वो सर्द हवाओं को भी गर्म बना दे सकती है। वोट करें, उनकी पूरी टीम को सपोर्ट करें। गुलाबी 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 वस्त्रों में कौन खड़ा है, आखिर बात करते हैं इनसे, ये किस तरीके के कार्ड साथ में लेकर खड़े हुए हैं। जी मैडम, ये किस तरीके के कार्डों को आप लेकर खड़े हुए? नमस्कार, मैं बारह सैनी कॉलेज सोसाइटी के जो चुनाव हो रहे हैं, मैं नितिन कुमार गुटी जो प्रधान पद पे खड़े हुए हैं, मैं उनकी धर्म पत्नी, और मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि कॉलेज के सुधार के लिए आप हमारी नितिन कुमार गुटी की पूरी टीम को चुनें। कॉलेज के सुधार के लिए या शिक्षा की गुणवत्ता के लिए? हाँ जी, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आप एक बार इस टीम को मौका तो दें। मैं ही चाहती हूँ पूरी टीम को एक बार मौका दें। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि नितिन कुमार गुटी की पूरी टीम को मौका दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसके कैंडिडेट के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं? ये मेरे पति संदीप वाशने के लिए। संदीप वाशने जी बैटरी वाले हैं? जी हाँ। बिल्कुल बैटरी की तरह अपडेट चार्ज रहते हैं। जी हाँ जी। मैडम, जो लगातार पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और वाशने कॉलेज में बराबर सीट जितनी कई दशक पहले थी उतनी ही आज है, उसको बढ़ाने के लिए आप लोगों का क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारी है, जो आप किस दम पर चुनाव जीत सकते हैं? जी, पूरी टीम को सपोर्ट करके, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हम लोगों को, पूरी टीम के सपोर्ट के साथ। तुषार वाशने जी, मैडम क्या विशेषता है तुषार वाशने जी में? ये डॉक्टर तुषार वाशने हैं, और मेरे बेटे हैं ये डॉक्टर राजेंद्र वाशने और डॉक्टर इंदिरा गुप्तम है। तो ये हमारे सरकारी सेवा में लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की सेवा सरकार की चिकित्सा विभाग में कर रहे हैं, और कोरोना के काल में ये बहुत 2 बार कोरोना से ग्रसित हुए, फिर भी इन्होंने अपना डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा। मैं आलोक कुमार गुप्ता, बारह सैनी कॉलेज सोसाइटी की टीम, अजय नंदन की टीम से सदस्य पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। कृपया मुझे अपना अमूल्य मत देकर विजयी बनाएं। समाज की जिम्मेदार महिलाएं हैं, रुचि गोटेवाल जी, जो अक्सर समाचार पत्रों की सुर्खियाँ बटोरती रहती हैं, और आखिरकार देखते हैं इस तरीके के लोग इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, आखिर क्या प्रिपरेशन है इनकी, क्या तैयारी है, और इस संगठन के माध्यम से आप किन किन मंजिलों को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं? वाशने समाज, वाशने डिग्री महाविद्यालय के लिए ये चुनाव, निर्वाचित चुनाव हो रहा है, जिसके महाविद्यालय में जो भी समस्याएं हैं, युवा पीढ़ी की समस्याएं हैं, जो हमारा देश भी इसके लिए अग्रसर है कि युवा पीढ़ी जितनी जल्दी तेज़ी से काम करेगी, तो महाविद्यालयों की सुधार हेतु इस चुनाव को रखा गया है, और आयोग समिति जो तैयार की जा रही है वो इसी उद्देश्य हेतु की जा रही है। मैडम, उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, VC हैं, रजिस्ट्रार हैं, बहुत से डीन प्रोफेसर हैं, इसमें आपका क्या योगदान रहे? जी, इसमें योगदान समाज का पूर्ण रहता है। आप किसी भी कार्य को लें, और समाज का कार्य ना हो, समाज का हाथ ना हो, क्या कोई देश, कोई राष्ट्र उत्थान कर सकता है? नहीं। देश का उत्थान तब होगा जब प्रत्येक इकाई से उसका हर व्यक्ति उसके साथ जुड़े, और ये जुड़ने की ही एक कगार है, एक कड़ी है। लगातार चुनाव का विगुल बच चुका है, सर्द हवाओं में चुनाव की इतनी तेज़ गर्मी है कि सब लोग घरों से बाहर निकल आए, ऐसे में ऐसी क्या खास बात है आपके संगठन के अंदर जो आपको ही वोट दिया जाए? ये बात अगर मैं कहूँ तो सूर्य को रोशनी दीपक दिखाने के लायक बात रहेगी, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि वाशी समाज, या कहूँ कि महाविद्यालय के सुधार हेतु जो ये गठन हो रहा है समिति का, उसका शब्दों से बयां करना मुश्किल है। इनके कार्य जब आप देखेंगे समिति गठन होने के उपरांत, तब आप स्वतः कहेंगे कि इतना उत्साह ये इसीलिए था कि कार्य इनका खुद सिद्ध कर रहा है इस चीज़ को। तो मैडम, चुनाव कब है और किस तरीके से वोट डालना होगा वोटर्स? दिन अपना 22 तारीख का, कल का चुनाव है, महाविद्यालय वाशने डिग्री कॉलेज का,
और ये कल समापन परसों सेटिंग है इसकी। हमारे साथ में महिला शक्ति हैं, जिम्मेदारी का जो निर्वहन कर रही हैं, लगातार समाज की हर गतिविधि में पैनी नज़र रखती हैं और आखिर आज बारह सैनिक कॉलेज एसोसिएशन के चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी है और आप आ चुकी हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता वर्षने है। नीता जी, आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता? एक्चुअल में यहाँ जितने भी लोग हैं मेरे सारे अपने लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि अजय नंदन जी की जो टीम है वो भारी मत के साथ विजयी बने और सभी जनता से मेरा ये अपील है कि सभी लोग अपने भारी मत देकर उनको विजयी बने। बड़ी विशेषता तो हमारे नितिन गुट्टी जो भैया हैं उनके अंदर है, वो बहुत बड़े समाज सेवी हैं। अगर वो विजयी होकर आते हैं तो ये तय है कि वो समाज के हित में, वार्षिक लोगों के हित में और छात्रों के हित में जो भी अच्छा होगा वो सारे डिसीजन वो लेंगे। सिर्फ छात्र के जो हित हैं उनको ध्यान में रख के कार्य करें। यूनिवर्सिटी आ चुकी है राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय, वीसी बड़े सख्त हैं, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या नया कर सकते हैं आप? हम लोग जो है हमारे जो लेक्चरर्स हैं उनके इंस्पेक्शन टाइम टाइम पे करवा सकते हैं कि वो हमारे बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो किस स्तर की दे रहे हैं, उसमें गुणवत्ता कितनी है। हमारे स्कूल विद्यालय में, महाविद्यालय में जो बच्चे आ रहे हैं वो रेगुलर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो नियमित आकर अपनी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो विजय प्रकाश नम्मान जी जो है उनको भी अपना भारी मत देकर विजयी बनाए, ये मेरी आप सबसे अपील है। धन्यवाद। जिन जिन को हम कार्य समिति में देखना चाहते थे, श्री दिनेश धरण, श्री अजय रंगन जी, श्री दिनेश भट्टा जी, जिनको हम चाहते थे, ये कॉलेज से जुड़े हुए हैं, इनके बड़े अनुभव हैं, हमने इन सबको ये कह दिया आप कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, नए लोगों को आने दीजिए। आपको बता दी क्यों कह रहे हैं, किसी किसी रूप में आप कार्य समिति में जुड़े रहना चाहते हैं। जब तक सुश्री पूनम बजाज इस महाविद्यालय की सेक्रेटरी रही और श्री दिनेश जी अध्यक्ष थे, तब महाविद्यालय की छवि कुछ और थी और आज इसकी छवि कुछ और है। तो एक कोर कमेटी बनी, जो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो चुनाव लड़ा तो सकते हैं। आज करीब 250 लोगों की रैली संजय कृषि जी के घर से प्रारंभ होकर मदार गेट, सराफा, बड़ा बाजार, सराफा, महावीर सबसे प्रारंभ होकर मास्टर ओम प्रकाश जी के प्रतिष्ठान पर समापन हुआ और मास्टर ओम प्रकाश जी ने जो साधुवाद दिखाया, जो उस रैली का सम्मान किया, मैं उनको आप सबके सामने हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 250 लोगों का स्वागत किया, दिल से स्वागत किया, समोसे भी थे, पकौड़े भी थे, मिठाई भी थी, फ्रूटी भी थी, चाय भी थी, कॉफी भी थी, नमकीन भी थी, सैंडविच भी थी, क्या तुमने को किया नहीं? स्वतंत्र पत्रकार में रोटी भी बनती है क्या? आना पड़ेगा आगे तक। मैं आप लोगों से माफी चाह रहा हूँ, मैं अध्यापक हूं, अधिक बोलता हूं, शॉर्ट कर रहा हूं और फिर मैं दो सज्जनों को आमंत्रित कर रहा हूं, श्री राजेंद्र जी, आरआर स्टील वाले, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें। श्री राजेंद्र जी, आरआर स्टील वाले, ये भी हमारी कोर कमेटी के सदस्य हैं, और विष्णु कुमार बंटी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री विष्णु कुमार बंटी,
विष्णु कुमार बंटी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें। और श्री राजेंद्र तुराजी आराम स्टील के मालिक, कृपया मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें। तो इस समिति का पहली प्रतिज्ञा आपके सामने है कि महाविद्यालय में सजातीय बच्चों के दाखिलों की व्यवस्था करना। मैं वो सारे नियम जानता हूं और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के साथ सुनकर आने के बाद अगर ये चाहेंगे कि दाखिल कैसे किए जाते हैं तो वो नियम मैं बता दूंगा कैसे दाखिल होते हैं, और कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा कि ये बालक मेरिट में नहीं था। अरे मेरिट कंप्यूटर के जमाने में फीड करने वाला भी तो इंसान ही है भाई, मेरिट फीड करने वाला इंसान है, कंप्यूटर फीड नहीं करता जाता। इसे कहा जा रहा है कम बोलो, पर मेरी धारणा है इसलिए बोलना पड़ रहा है। नंबर दो, श्री राष्ट्रीय महाविद्यालय अलीगढ़ में राष्ट्रीय समाज के निर्धन छात्रों की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करना। अगर ये समझी चुनकर आती है तो इनकी प्रतिज्ञा है कि निर्धन वाले सैनियों को इस राष्ट्रीय महाविद्यालय में बिना फीस के पूर्ण निःशुल्क सुविधा दी जाएगी और पुस्तकों का भी प्रबंध किया जाएगा। सम्मानित मतदाताओं के घर घर जाकर 5 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्र कर महाविद्यालय का विकास करना। आप ये सोच सकते हैं कि 5 करोड़ की राशि आपके मस्तिष्क में कैसे आ गई? 5 करोड़ तो आप कोई छोटी रकम इकट्ठा कर लेंगे। तो मित्रों नियत साफ होनी चाहिए। हमारे भारत सैनिक समाज में दानदाता बहुत है, धाना साहब बहुत है, पर वो व्यक्ति इसीलिए दान नहीं देता है कि आपकी नियत में खोट है। जब कालिदास संस्थान गृह के उद्धार की बात आई तो भारतीय समाज भयकरोणी जिसके अध्यक्ष हमारे श्री योगेश चलाई जी है, ये इस बात का सबूत देकर खड़े होकर के हमने 3.5 लाख का बीड़ा उठाया था, लेकिन जब हम घर जाकर के चंदा इकट्ठा कर रहे थे तो आप उम्मीद करते कितना पैसा इकट्ठा हुआ होगा? 10 लाख। 3.5 लाख की मांग थी, 10 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। आपके अंदर कुपत होनी चाहिए, आपकी नियत साफ होनी चाहिए। हमारे पार्षद समाज में भामा साहब की कमी नहीं है। और अगर बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, ये समिति एक इतनी चीज की आती है 6 महीने के अंदर 50 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा हो जाएगा। 6 महीने के अंदर ये 5 करोड़ की राशि 3 साल के लिए। अरे जिस महासभा के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी टेलर हमें तीनों यहाँ मौजूद हो, क्या उनकी उपस्थिति ये नहीं दर्शाती कि हम भीख मांगेंगे तो हमारी ठीक में धनराशि बचेगी? 5 करोड़ तो कम से कम अमाउंट है, इसे ज्यादा इकट्ठा किया जाएगा। बॉटनी जूलॉजी स्टैटिस्टिक्स मिलिट्री साइंस BA LLB विभागों को डिग्री डिपार्टमेंट से उच्चीकृत कर पोस्ट ग्रेजुएट करना बड़ी शर्म की बात है। 6 साल के अंदर हमारे कॉलेज में MSc बॉटनी नहीं है, हमारे कॉलेज में MSc जूलॉजी नहीं है, MSc स्टैटिस्टिक्स नहीं है, LLM नहीं है, MA नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आपने एक एप्लीकेशन विश्वविद्यालय को लिखी नहीं कि हमें इन डिपार्टमेंट को आप उच्चीकृत करें और पोस्ट ग्रेजुएट करें। जब आप मांगोगे नहीं तो मिलेगा कहां से? पहले मांगो तो सही। जब डॉक्टर चंद्रास प्रिंसिपल थे तो MSc बॉटनी के लिए, MSc जूलॉजी के लिए, MSc स्टैटिस्टिक्स के लिए और MA के लिए 4 फाइल विश्वविद्यालय से मंजूर कराकर शिक्षा विभाग में भेज दी गई थी, लेकिन उनका कार्यकाल हट गया। प्रमोद समिति आप इनके चेहरा पहचानिए और मतदान करते समय इनका ध्यान रखिए। श्रीमती रेणु रानी पिछले सत्र में सदस्य थी, तो इस सत्र में इनको
ज्वाइंट सेक्रेटरी पद का उम्मीदवार बनाया गया है। क्यों बनाया गया है मैं उसको प्रकाश जानना चाहता हूं। 4 दिसंबर को जो एक बैठक हुई थी जनपरिषद की, उसमें डॉक्टर इंदु वार्ष्णेय जब कुछ बोल रही थी तो उन्होंने कहा क्या महिलाओं का ऐसे ही अनादर होता रहेगा, क्या कोई मेरे साथ है। तो ये मंचा सिंह थी, उठकर आई और उन्होंने हाथ खड़े होकर किया मैं आपके साथ हूं।